हेलो बच्चों आज का टॉपिक है हमारा फैक्टर्स आज हम सीखेंगे गुणनखंड निकालना जैसे कि पहले वीडियो में हम आपको मल्टीपल्स कॉमन मल्टीपल्स लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकालना सिखाए हैं लगभग उम्मीद भी है कि सभी बच्चे निकालना सीख भी गए हैं तो आज हम फैक्टर्स पढ़ेंगे फैक्टर्स इन हिंदी गुणनखंड फैक्टर्स इजेक्ट डिवीज़न जिससे पूरा पूरा भाग लगे और रिमाइंडर कुछ ना बचे तो वो क्या होगा फैक्टर्स होगा तो हम फैक्टर्स को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा तो फैक्टर्स ऑफ सिक्स सिक्स का गुणनखंड हम निकालेंगे सिक्स कौन कौन सी संख्या का गुणनखंड है तो देखिए वन इंटू सिक्स इज इक्वल टू सिक्स अब देखो वन फिर टू टू इंटू थ्री इज इक्वल टू सिक्स टू थ्री जा सिक्स अब हम देखेंगे सिक्स का गुणनखंड और है कोई संख्या तो देखिए वन एंड सिक्स तो वन इज ए फैक्टर्स ऑफ एवरी नंबर वन इज ए फैक्टर्स ऑफ एवरी नंबर वन सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है एंड एवरी नंबर्स इज ए फैक्टर ऑफ इट प्रत्येक संख्या स्वयं का भी गुणनखंड होती है तो देखिए वन इंटू सिक्स टू इंटू सिक्स अब देखो सिक्स का गुणनखंड और भी है तो वन टू थ्री एंड सिक्स हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ सिक्स सिक्स के कुल कितने गुणनखंड हैं तो हाउ मैनी फैक्टर्स ऑफ सिक्स तो सिक्स के गुणनखंड अब देखिए अगर हम वन टू थ्री एंड सिक्स और इसके कोई गुणनखंड नहीं है तो हम लिखेंगे वन टू थ्री एंड सिक्स सिक्स स्वयं और वन और कोई टेबल में सिक्स नहीं आएगा अब सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे जैसे कि ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव के कौन कौन से गुणनखंड हैं तो सबसे पहले वन इंटू ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव अब देखिए कौन से टेबल में ट्वेंटी फाइव आता है थ्री के टेबल में नहीं आएगा फोर के टेबल में ट्वेंटी फाइव नहीं आएगा तो फाइव इंटू फाइव इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव अब देखिए अब कौन से टेबल में ट्वेंटी फाइव आ रहा है नहीं आएगा तो हाउ मेनी फैक्टर्स आप ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव के कुल कितने फैक्टर्स हैं तो देखेंगे एंड तो ये हुए फैक्टर्स अब जैसे ये तो छोटी से छोटी संख्या का फैक्टर्स निकालना हम लोग सीखें अब बड़ी से बड़ी संख्या का अगर फैक्टर्स निकालना हो तो इसके दो मेथड हैं एक मल्टीपल्स मेथड एंड डिवीजन मेथड तो देखिए अब हमको मिल गया फैक्टर्स ऑफ सेवेंटी टू का फैक्टर्स निकालना हम कैसे निकालेंगे तो अब हम सेवेंटी टू का फैक्टर्स निकालेंगे अब आप कहेंगे मैम बड़ी संख्या है तो हां अगर आपको इसमें समझ में नहीं आता तो आप डिवीज़न कर लीजिए तो हम सेवेंटी टू को पहले वन से करेंगे तो वन सेवन जा सेवन कुछ नहीं एंड टू तो वन टू जा ट तो एक तो मेरा हो गया वन मल्टीप्लाई सेवेंटी टू इज इक्वल टू सेवेंटी टू एंड सेकेंड देखेंगे तो देखिए क्या टू इसके टू से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या एग्जैक्टली ये कट जाता है तो देखिए टू से कर लेंगे सेवेंटी टू को हम टू थ्री जा सिक्स, में से सिक्स जाएगा वन बचेगा टू लिखेंगे टू सिक्स जा, ट्वेल्व, इजेक्ट कट गया कुछ रिमाइंडर बचा हाँ टू इसके गुणनखंड है तो हम लिखेंगे टू इंटू थर्टी सिक्स इज इक्वल टू सेवेंटी टू टू से भी ये मल्टीपल्स सॉरी टू से भी ये डिवीज़न है अब हम देखेंगे थ्री से क्या थ्री से सेवेंटी टू पूर्ण रूप से कट जाता है अगर रिमाइंडर बच जाएगा तो ये इसके गुणनखंड नहीं है अगर रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है तो ये इसके गुणनखंड है तो देखिए सेवेंटी टू को थ्री से डिवीजन करेंगे थ्री टू जा सिक्स वन बचा अब हम टू लिखेंगे और थ्री फोर जा ट्वेल्व हाँ थ्री भी इसके थ्री से पूर्ण रूप से डिवीजन हो गया तो थ्री इंटू ट्वेंटी फोर वो सॉरी ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू सेवेंटी टू अब देखेंगे कि अब फोर से डिवीजन हो रहा है सेवेंटी टू को फोर से करेंगे फोर वंजा फोर टू या एट वैसे ज्यादा हो गया तो ये फोर से डिवीजन नहीं हो रहा है करके देख लेते हैं फोर वंजा फोर सेवन में से फोर जाएगा क्या बचेगा थ्री अब एक क्या हो गया टू तो हाँ डिवीजन है फोर से तो फोर एट जा थर्टी टू टू में से टू गया कुछ नहीं थ्री में से थ्री गया कुछ नहीं ये फोर का भी डिवीज़न है तो हम लिखेंगे फोर इंटू एटीन इज इक्वल टू सेवेंटी अब देखेंगे क्या फाइव से ये डिवाइड हो रहा है तो सेवेंटी टू को हम फाइव से भी करेंगे तो फाइव वन जा फाइव सेवन में से फाइव गया टू बचा एंड टू फाइव फोर जा ट्वेंटी ये डिवीजन नहीं हो रहा है तो ये फाइव का गुणनखंड नहीं है तो हम इसको सेवेंटी टू को अब सिक्स से करके देखते हैं तो सिक्स वन जा सिक्स सेवन में से सिक्स गया वन बचा टू लिखेंगे सिक्स टू जा ये सिक्स का डिवीजन है तो हम लिखेंगे सिक्स इंटू इक्वल टू अगर आपको नहीं आता है तो आप डिवीजन के थ्रू भी इसे चेक कर सकते हैं अब देखिए क्या और भी इसके गुणनखंड हैं चलो चेक करते हैं सेवन से सेवन से तो नहीं कटेगा देखो सेवन के टेबल पढ़ने पर सेवेंटी टू नहीं मिल रहा है अब देखिए एट से क्या ये कट रहा है तो एट से हम काटेंगे को तो नाइन तो से कट रहा हा, हाँ नाइन एट जा सेवेंटी टू अब फिर इसी को हम इसी क्रम में मोड़ देंगे जैसे एट नाइन जा सेवेंटी टू तो नाइन एट जावेंटी टू ऐसे 6, जा, 72, तो 12, जा, अब ऐसी के हम क्रम में लेते हुए चलेंगे तो अब जैसे आपसे कोई पूछे हाउ मैनी फैक्टर्स ऑफ सेवेंटी टू सेवेंटी टू के कितने फैक्टर्स हैं चलो सेवेंटी टू के फैक्टर्स को हम लिखेंगे तो सेवेंटी टू के कितने फैक्टर्स हैं एक तो हो गया वन एंड टू थ्री फोर सिक्स एट अब फिर इसको ही लिखेंगे नाइन ट्वेल्व एटीन ट्वेंटी फोर थर्टी सिक्स एंड सेवेंटी टू तो क्या हो जाएगा देयर आर टोटल फैक्टर्स ऑफ कुल कितने फैक्टर्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवेन ट्वेल्व टोटल फैक्टर्स किसके के ऐसे ही हम आपको अब आप क्वेश्चन देंगे उसे आप सॉल्व करेंगे आपका क्वेश्चन रहेगा फाइंड द ऑल फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स जो भी नंबर्स आपको दिए जाएंगे उनके कुल गुण गुणनखंड आपको बताना है तो ऐसे ही फैक्टर्स निकालना है तो इसी तरीके से आप फैक्टर्स को निकालेंगे कहीं कहीं जैसे दिया गया आपको एक क्वेश्चन सर्किल द नंबर्स व्हिच आर फैक्टर्स ऑफ द गिवेन नंबर्स आपको सर्किल बनाना होगा जो फैक्टर्स आपको दिए होंगे मान लीजिए ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन दिया गया अब इसमें ऐसे मल्टीपल्स भी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड ट्वेंटी वन इसमें आपको सर्किल बनाना है कि ट्वेंटी वन के गुड़नखंड कौन कौन से हैं तो देखिए वन तो रहेगा ही और टू के टेबल में कहीं ट्वेंटी वन आ रहा है नहीं आ रहा तो ये ट्वेंटी वन के मल्टी फैक्टर्स नहीं है थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन तो ये ट्वेंटी वन के फैक्टर्स है एंड फोर के टेबल में भी कहीं ट्वेंटी वन नहीं आ रहा है तो ये फोर का भी फैक्टर्स नहीं है फाइव का नहीं है सिक्स का भी नहीं है एंड सेवन सेवन वन जा सेवन सेवन टू जा फोर्टीन सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन तो एक तो वन हो गया दूसरा थ्री एंड सेवन क्या एट है एट भी नहीं है नाइन है नाइन भी नहीं है क्योंकि नाइन के टेबल में भी ट्वेंटी वन नहीं आ रहा एंड ट्वेंटी वन ये सब इसके फैक्टर्स हो गए अब आपको एक क्वेश्चन और मिलेगा कि चेक वेदर द सेकेंड नंबर इज ए फैक्टर्स ऑफ द फर्स्ट नंबर राइट एस और नो एस और नो में आपको आंसर बताना है अगर जैसे हमें मिल गया सेवेंटी टू एंड नाइन तो क्या नाइन सेवेंटी टू का फैक्टर्स है अब फैक्टर्स को हम चेक कैसे करें कि ये है कि नहीं है तो छोटी संख्या को बड़ी संख्या से हम भाग देते हैं अगर रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाए तो वो उसके फैक्टर्स नहीं है अगर रिमाइंडर जीरो बचे तो उसके फैक्टर्स तो नाइन को करेंगे तो नाइन एट जा सेवेंटी टू सारी संख्या कट गई तो ये इसके फैक्टर्स हैं तो देखिए यस हमको इसको एस में आंसर देना यस नाइन इज फैक्टर ऑफ सेवेंटी टू अब जैसे कि आपको कहीं भी ना समझ में आया है नहीं भी समझ में आया हो तो उसको आप फोन करके मुझसे पूछ लेंगे कि मैम मुझे ये समझ में नहीं आया है और उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे पहले वीडियो को देखेंगे फिर उसके बाद में दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये वीडियो हम क्लास फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों के लिए बनाए हैं जैसे कि इस समय सेम टॉपिक चल रहा है उनका तो ऐसे हम सोचते हैं कि वीडियो बने ताकि दोनों क्लास के बच्चे फायदा उठाएँ थैंक यू